हेलो एंड स्वागत है आप सबका नमस्ते न्यूजीलैंड के एक और एपिसोड में। हम सब जानते हैं कि आज इंडियंस क्रिकेट हमारे खून में है और जब परदेश आकर हमारी कम्युनिटी से कोई नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है तो बहुत खुशी होती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर और ब्लैक कैप्स के जीत रावल हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो जीत रावल। हाय जीत। हाय गाइस। तो जीत, आपको कब एहसास हुआ कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं? वैसे तो जब मैं बॉर्न हुआ था, यू नो, जब इंडिया में बॉर्न हुआ था तो इंडिया में जब भी कोई बॉर्न होता है क्रिकेट पहले से ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो तब से मैं क्रिकेट खेलता था, इंडिया में गली क्रिकेट खेल के पैदा हुआ। बाद में पापा ने कुछ देखा मेरे में टैलेंट है तो उन्होंने मेरे को कोचिंग क्लास में भेजा, यू नो, पूरे पाथवेज में अच्छा भेजा कि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे क्रिकेट स्कूल में है वहाँ पे भेजा, तो लकीली अलॉन्ग द वे एवरीथिंग फेल इन द प्लेस नाइसली और हियर आई एम, यू नो, रिप्रेजेंट इन न्यूजीलैंड एंड वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू रिप्रेजेंट इंडियन कम्युनिटी इन न्यूजीलैंड एंड वेरी हैप्पी। तो आप कह रहे थे कि आप गली क्रिकेट खेलते थे इंडिया में, सो डू यू एवर मिस इट? हाँ, गली क्रिकेट में काफ़ी मिस करता हूँ ना, जब इट द मोमेंट व्हेन वी डोंट हैव मच क्रिकेट ऑन, जब इंडिया में तो पूरे दिन सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते थे, स्पेशली समर वैकेशन में ना, तो सुबह चले जाते थे, शाम को घर आते थे, मम्मी बोलती थी कहाँ गया, पता नहीं कब आएगा घर पे, लेकिन वो भी कुछ इतना मज़ा था। और यहाँ पे भी, यहाँ पे यूनिकनेस है, यहाँ पे वो टेप बॉल से खेलते हैं, वो टेप लगा के खेलते हैं कभी कभी कभार, तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ दोनों कंट्री के यूनिकनेस है, लेकिन डेफिनेटली आई मिस गली क्रिकेट, यू नो, बीइंग फ्रॉम द कम्युनिटी। तो हमारी जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो आपको खेलता देख इंस्पायर होते हैं, इनकरेज होते हैं टू गो, यू नो, इन द ग्राउंड एंड प्ले क्रिकेट, ऐसा होता है? हाँ, डेफिनेटली कई बार बच्चे आते हैं कि लुक आई वांट टू प्ले लाइक यू, एंड सो अच्छा है कि मैं कर सकता हूँ, और इफ़ आई कैन डू मोर एंड मोर दैट दैट विल बी हेल्पफुल, एंड इफ़ यू कैन गेट मोर ऑफ इंडियन कम्युनिटी पीपल न्यूजीलैंड की टीम में, और नॉट ओनली क्रिकेट, अपने आपके जो भी हॉबीज़ है और पैशन है उसमें आगे बढ़ सके, उसमें मेहनत करे और लगन लगा के मेहनत करे, तो वो ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जब 5-6 साल मेहनत करेंगे, बाद में कुछ काम नहीं बनेगा तो वो उसको गिव अप कर देंगे, लेकिन आप में पैशन है तो उसके पूरा लगन लगा के मेहनत करनी ज़रूरी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार फॉल भी होंगे, यू हैव टू गेट बैक अप एंड स्टार्ट, यू नो, वर्किंग हार्ड अगेन, सो वो इंपॉर्टेंट है। आई होप आई कैन इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यंग, नॉट ओनली क्रिकेटर्स बट पीपल इन न्यूजीलैंड टू, यू नो, बिकम समथिंग इन देयर ऑन फील्ड। और आपके पास जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट था, आपके फादर ने बचपन में ही देख लिया था दैट यू आर टैलेंटेड, लेकिन आपको पता है कि इंडियन कम्युनिटी में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते टू प्ले, टू गो आउट एंड प्ले अ स्पोर्ट, तो आपने कभी सोचा कि आप स्कूल्स जाएं, इंटरेक्ट करें विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम आर कम्युनिटी, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट है फॉर द कम्युनिटी जस्ट टू इनकरेज देम? हाँ, डेफिनेटली आई टेक पार्ट इन कम्युनिटी इवेंट्स टू, जहाँ पे बच्चे से बात करने को मिलता है, ऐसे फॉर्मली नहीं लेकिन इनफॉर्मली, यू नो, आप क्या बनना चाहते हैं, बोलते हैं कि मेरे पेरेंट बोलते हैं कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरा मन है फोटोग्राफी में, सो आई से लुक इफ आपका मन है किसी भी आइटम में, आर यू पैशनेट अबाउट, वर्क हार्ड टूवर्ड्स, फाइंड आउट कि मैं आगे कैसे पढ़ सकता हूँ, पेरेंट्स को बताओ कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, और न्यूजीलैंड इज़ ए कंट्री वेयर एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड, सो इट्स फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि आप जो भी बनना है उस पर मेहनत करें, उसका प्रॉपर गाइडेंस ले और आगे बढ़े तो आप कुछ भी बन सकते हैं। तो आप जब न्यूजीलैंड आए थे आप 16 साल के थे, तो आप न्यूजीलैंड और इंडिया को कंपेयर कर रही हैं, तो इंडिया में भी काफ़ी टैलेंट है क्रिकेट की, ऑफ कोर्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस, सुविधाओं में कैसे डिफरेंसेस है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? हाँ, इंडिया इज़, यू नो, पॉपुलेशन काफ़ी है, इंडिया में टैलेंट बहुत है, तो देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स वी हैव, तो ओनली जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब पाथवेज कैसे, जैसे कोई बंदा छोटा है और उसमें टैलेंट है तो उसको कैसे उसका पाथवे में आगे जाना है, और इंडिया में कई लोग कहीं पे खो जाते हैं ना, उनका पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि ये बच्चे को कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालेंगे तो ये आगे बढ़ेगा कैसे पढ़ेगा, तो उन थोड़ा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इंडिया में भी अभी लास्ट 5-6 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्प्रूविंग, यू नो, वो IPL बन रहा है तो काफ़ी ग्लोबल स्केल पर इंडिया का क्रिकेट चल गया है, तो वो भी पूरे जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका है उनकी कंपेरिजन में वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। Sure. और आपके फ्यूचर्स के प्लान्स क्या हैं? एट द मोमेंट, यू नो, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और न्यूजीलैंड की टेस्ट में खेल रहा हूँ, विच आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ, बट आई वांट टू प्ले वन डे क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट फॉर न्यूजीलैंड वन डे, एंड होपफुली जो वर्ल्ड में जो सारे T20 लीग्स बन रहे, IPL है, यू नो, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, वो सारे है, उसमें आई वांट टू टेक पार्ट इन दोस एंड होपफुली, यू नो, ग्रो एज अ प्लेयर एंड मेक इट बिगर। या फैंटास्टिक, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जीत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।